वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और मैं बड़ा ऑनर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज मेरे पास मेरे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनको बहुत अरसे से हमारी कोशिश थी कि हम अपने प्रोग्राम में मदु करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठने से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। मैं ये लफ्ज़ क्यों कह रही हूँ, इस जुमले का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत सारे लोग गुजार गए और चले गए और यकीनन कुछ लोग मौजूद हैं उनके प्यारे उनके नाम लेवा, लेकिन कुछ लोग ऐसे अजीम काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे कारनामे करते हैं कि ना सिर्फ कुछ लोग बल्कि सारी दुनिया उनके उस काम को उनकी उस एफर्ट को जानती है, मानती है, सराहती है और सलाम पेश करती है। वो शख्स किसी एक मुल्क का, किसी एक कौम का नहीं होता बल्कि वो शख्स जो है वो पूरी इंसानियत के लिए होता है, क्योंकि उसका काम इंसानियत की खिदमत करना और उसकी बात इंसानियत का दर्स देना होता है। और ये वो लोग होते हैं जो जिस कौम में भेजे जाते हैं वो रब की तरफ से उस कौम के लिए अता होता है। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसी अताएँ रब की तरफ से भेजी गई जिनमें मैं जिक्र करूंगी द ग्रेट एडी साहब, वो हम में नहीं, रब उन्हें खरीके रहमत करे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे चिराग हैं जो जल रहे हैं, जो अपनी रोशनी से इस दुनिया में मुनव्वर कर रहे हैं लोगों को। और ऐसे ही एक ग्रेट नाम जिनकी तरफ अब हम देखते हैं, जिनकी हम इस वक्त जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको सलाम पेश करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही अकीदत के साथ मैं इनको आज अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी, रमज़ान चीफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी चीज़ें कह दी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। और आपको, आप जिस तरीके से अपना ये मॉर्निंग शो सलाम पाकिस्तान कर रही हैं तो अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपके अंदर जज्बा अता करे ताकि आप अपने इस प्रोग्राम को, जो आपकी आवाज़ है, ये पूरी दुनिया तक जो है वो जा सके। और जिस तरीके से आपने इंसानियत के हवाले से बात की तो बात यही है कि इंसानियत ही बेसिकली सब कुछ है, कि जिस शख्स के अंदर, जो शख्स इंसान नहीं है, जिस शख्स में इंसानियत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के अंदर और जानवरों में एक अकल दे के, शऊर दे के यही फ़र्क कर दिया कि इंसान को जो है वो एक इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है, इंसान को एक इंसान की जो है बेहतरी के लिए जो है वो कहा गया है। तो हम माशरे, अच्छे माशरे ही अच्छे इंसानों से ही तश्कील पाते हैं, ना कि आप बात करें कि कोई उसमें कोई कास्ट हो, कोई कलर हो, कोई क्रीड हो, बल्कि दुनिया के हर मज़हब में इंसानियत के हवाले से बात की गई है और इंसानियत की अज़मत और उसकी मेराज के हवाले से जो है गुफ्तगू की गई और दर्ज दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है आपने भी की माशाल्लाह। और चूँकि शिफा फाउंडेशन का मिशन भी जो है वो यही है, मेरा मिशन भी यही है कि मखलूक खुदा की जो है वो खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, तो इसी मिशन के तहत हम जो है वो चल रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत छोट में सोच रही थी कि मैं आखिर कहूँ कि क्या, मैं जब से मुझे पता चला है तो मैं बस अल्फाजों को जमा कर रही थी, लेकिन यकीनन ये वो लोग हैं जिनके खिदमात के हवाले से शायद अगर हम पूरा प्रोग्राम भी करें तो हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इन लोगों के काम, इन लोगों की हिम्मत और इन लोगों का हौसला जो है उसको हम बयान नहीं कर सकेंगे। मैं आज आप लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहूँगी, ज़रूर कॉल कीजिए, आप सराहिए उन लोगों को, आप यहाँ पर इनसे बात कीजिए शिफा साहब से, और आप जो भी इनको कहना चाहते हैं, जो भी आप इनको मैसेज, अपनी मोहब्बत इन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ज़रूर आज मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। शिफा साहब, मैं ज़रा तारीख में जाना चाहूँगी, हम जानना चाहेंगे कि ये एक रमज़ान शिफा जो है, अब जो द ग्रेट शिफा जो है, अब वो ये सफ़र कैसा रहा। सर आपने भी मुझे बताया ऑलमोस्ट 87 में आपने इसका आगाज़ किया, सर इंस्पिरेशन क्या थी, क्या ये ख़ानदानी आपकी तमाम फैमिली में ऐसी चीज़ें थी या आप इस तरफ आए? नहीं जी, हुआ ये था कि मैं पहले भी कई दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ, याद कर चुका हूँ कि 1987 में कराची का इलाका सदर बोरी बाज़ार में धमाके हुए, तो उस धमाके के अंदर लोग काफ़ी ज़ख्मी थे, तो उस वक्त मस्जिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि जो ज़ख्मी लोग हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए खून के एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। तो जब मैंने ये मस्जिद का अनाउंसमेंट सुना तो मैं हॉस्पिटल की तरफ गया खून देने के लिए, तो जब वहाँ खून दे के फारिग हुआ तो मैं ट्रामा की तरफ चले गया, तो ट्रामा की तरफ जा कर देखा तो लोग जो है वहाँ बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को अपनी मदद आप के तहत लेकर आ रहे थे। अच्छा।
उस दौर में 87 में इस कराची शहर के अंदर काली पीली टैक्सियां चला करती थी, रक्शे थे, तो लोग उनके ऊपर जो है वो बेचारे लेकर जो है अपने प्यारों को और अपने जख्मियों को जो है वो लेकर आ रहे थे। फिर उसके बाद जो है चूँकि ये इलाका सदर के इलाके बोरी बाज़ार में हुआ, तो आप देखें कि यहाँ ठेला जिसे हम व्हील बारो कहते हैं, तो उसके ऊपर जो है उन जख्मियों को लेकर आए जा रहे थे। एम्बुलेंस सर्विस का इतना मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो स्पॉट से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्टिंग थी तो वो नहीं हो सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत उन जख्मियों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे इस वजह से, और जब हॉस्पिटल जो लोग पहुँच गए तो वहाँ पर उन जख्मियों की देखभाल करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट करने के लिए ना तो इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मौजूद थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था, ना जो है बेड थे। बस वो जिस तरीके से भी जो है वो वहाँ पर लेकर आए गए, तो मतलब जर्दनों शदीद जख्मियों को जो है वो ज़मीन के ऊपर लिटा दिया गया ताकि बेड नहीं थे। मेरे सामने मेरे हाथों के ऊपर जो है उस वक्त दर्जनों लोगों ने जो है वो दम तोड़ा, अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। और सिर्फ वजह ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को, मतलब वो दो बम फूटे थे। हुआ ये था कि पहला जब बम फूटा तो लोग भागे दूसरी तरफ, तो वो पूरा मॉब जहाँ दूसरी तरफ जो है भागा, तो ऐन उसी जगह के ऊपर जिस वक्त जहाँ सारे लोग भाग जिस तरह भाग रहे थे, तो उसी जगह पर दूसरा ब्लास्ट हुआ। तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इंसानी जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद जो है वो जब हॉस्पिटल यहाँ पहुँचे तो नहीं, इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए इंतजाम थे, और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला धमाका था जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे तो याद है कि 2001-2000 से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं जो पहला 87 में पहला जो है पाकिस्तान की तारीख में पहला धमाका इतना बड़ा हुआ और उसमें बड़ी जिंदगियां और इंसानी जिंदगियां जो है वो गईं। तो बस उसी वक्त जो है मैं भी वहाँ डॉक्टर्स के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जिस तरीके से हाथ बटाना होता था, तो वह हाथ बटाना शुरू कर दिया उनके साथ। शाम हो गई, फिर जहन में ये बात आई कि इतने सारे लोग जो हैं वो बेचारे सिसक के अल्लाह मियां को प्यारे हो गए कि उनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल में लाने और जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से हो सके। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे जहन में एक बात दी कि अब जो है वो क्या मैं ये सारा करके चले जाऊँ दोबारा और अपने जो भी काम धंधे उसमें बिजी हो जाऊँ, या अपने हिस्से का काम करना है इंसानियत के लिए, अपने हिस्से का काम करना। आज भी मैं वो तमाम इंसानों से और तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, तमाम इंसानों से ये गुजारिश करता हूँ कि मखलूक खुदा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए अपने हिस्से का काम ज़रूर कीजिए। जो अल्लाह ने आपको तौफीक और इनायत अता किए, जो आपके पास हैं आप ज़रूर कीजिए। दाम में दर में सुखने किसी से बोल के कर सकते हैं, किसी के लिए चल के कर सकते हैं, किसी के लिए आपको अल्लाह ने तौफीक दी है रुपये पैसे से करते हैं, तो आप अपने हिस्से का काम इंसानी खिदमत इंसानियत के लिए जो है ना वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा ही जो है वो इसीलिए है कि हम इंसानों की जो है वो एक दूसरे के इंसानों की जो है वो मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की दुख दर्द को समझें, एक दूसरे की तकलीफ़ में हम साथ खड़े हों। तो मकसद बेसिकली इंसानों का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है इंसानों को बनाने का जो है वो यही है। डेफिनेटली हुकूक अल इबाद को हम कैसे फरामोश जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक अच्छे मुआशरे इसी तरीके से तश्कील पाते हैं, एक अच्छी सोसाइटी इस तरीके से तश्कील पाते हैं कि जहाँ आपके दिल में लोगों का दर्द हो, आप लोगों से प्यार करने वाले हों, आप दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने वाले हों। जैसे कि अभी आपने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया कि एक वो जो कैंट से एक कॉल थी खातून की, तो उस बहन ने जो है वो बताया कि पड़ोस में एक बच्चा है हमारे, तो उसका जो है वो ये वो बच्चा बीमार है तो उसके हवाले से बताएं। तो मैं इसलिए अपने यहाँ से अपने घर से ही कॉल कर रही हूँ कि उस बच्चे को मैं अगर पड़ोस में जाऊँ तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम या मेरी लाइन ना मिल सके या प्रोग्राम में मेरी बात नहीं पहुँच सके। तो बात देखिए यही है कि एहसास की बात है, अगर आप में एहसास है इसी का नाम इंसानियत है। अगर आप में एहसास नहीं है तो आप इंसान नहीं है, और आप अगर इंसान नहीं है तो फिर आप देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क रखा है। लेकिन सीपा साहब, ऐसे तो बड़े लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं जिनके शायद हमारे घरों में भी मौजूद होते होंगे, जिनमें यह एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और वो अब बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं। देखिए फितरी तौर पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो पैदा किया उसमें एक ज़मीर रखा है, हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। तो आप कभी अच्छा काम करते हैं तो वो आपकी जो रूह है वो खुश होती है,
آپ کو ایک روحانی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. آپ اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. لیکن چونکہ ہم اپنی جھوٹی انا کے تحت, اپنی جھوٹی عقل کے تحت, اپنی جھوٹی ایک ہم ایک خول, ایک لبادے کے اندر جو ہم نے اپنے آپ کو بسایا ہوا ہوتا ہے, بنایا ہوا ہوتا ہے, تو یہ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو کیا وہ اچھا کیا. ہر انسان کے اندر فطری طور پر ایک ضمیر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب اس وہ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچیں, آپ کریں. لیکن کیا بات ہے, دیکھیں کہ آپ دوسری طرف اگر تصویر کے دوسرے رخ کی طرف دیکھیں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنا مشغول ہو گیا, اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دے پاتا. بات یہاں توجہ کی ہے, احساس اس میں موجود ہے لیکن وہ توجہ نہیں دے پاتا کہ میں جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, جو سوشل ذمہ داریاں ہیں, جو یا سوشل ایک ہماری اخلاقی طور پر جو ذمہ داریاں, اس کو ہم دیکھ سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بس اس کو پھر کیا ہے کہ پالش کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے یہاں جو ہماری امیجیٹ فیملی ہے, ہم اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم لگژریز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اپنی لائف سٹائل کو بیٹر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن جس دنیا میں ہم آئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے, اس جذبے کو ہم شاید اپنے اندر اس طرح سمجھتے ہی نہیں یا باہر نہیں نکالتے, لیکن وہ موجود سب میں ہوتا ہے. بالکل. سیبا صاحب, یہ بتائیں, جب آپ نے سوچا کہ اب آپ کو یہ خاص طور پر وہ ٹرانسپورٹیشن کا جو پرابلم ہے وہ آپ نے فوکس کیا, تو اس تمام چیزوں کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لانے کے لیے فنڈس کی بھی ضرورت تھی, پیسوں کی بھی ضرورت تھی, تو پھر آپ نے کیا کہا, یہ تو میں نے سوچ تو لیا ہے لیکن میں پریکٹیکلی کیسے کروں گا ان چیزوں کو؟ دیکھیں, بات میں آپ کو ایک بتاؤں, میں اس کی ایک آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ جب آپ کے جذبے صادق ہو نا, آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کے پاس آپ کا جذبہ ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روپیہ, پیسہ, فنڈز, چیزیں, لگژری, آزائش, یہ سب ثانوی باتیں ہیں. یہ سب آپ کے پاس خود چل کر آئیں گی اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, آپ کا جذبہ جو ہے. تو میرے پاس تو صرف ایک اس وقت ایک جذبہ تھا نا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی ایک تباہی ہوئی, اتنا بڑا نقصان ہوا, اتنی بڑی انسانی جانوں کا جو ہے یہ لاس ہوا ہے. تو میرے پاس تو صرف اس وقت ایک یہ جذبہ تھا جو میرے ضمیر کی ایک آواز تھی جو مجھے لگائی, میرے ضمیر کی ایک صدا تھی جو اس نے لگائی, تو اس صدا کو میں نے لبیک کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا کے تحت. اچھا, دوسری آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں, اللہ رب العزت جو ہے وہ رب العالمین ہے. اس وقت میرے ذہن میں کیا آیا, اللہ رب العزت رب العالمین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا رحمت للعالمین بنا کے, تمام انسانوں کے لیے رحمت. اللہ رب العالمین تمام انسانوں کا رب, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام انسانوں کے لیے جو ہے رحمت العالمین بنا کے دیے. اچھا, پھر جب اللہ کا رسول جو ہے وہ, پھر دوسرے دیکھیں آپ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے نا, تو محسن انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جو ہے میرے لیے رول ماڈل, اسی وقت میرے لیے رول ماڈل اور محسن انسانیت ہے. اور یہاں انسانیت کو میں نے جو ہے وہ تڑپتا ہوا دیکھا, انسانیت کو سسکتا ہوا دیکھا, انسانیت کو اپنے سامنے جو ہے وہ جس طریقے سے تڑپ تڑپ کے, سسک سسک کے, آہ بکار کے ساتھ جو ہے وہ میں نے دم توڑتا دیکھا, تو بس میرے ذہن میں وہی آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محسن انسانیت ہیں تو میں نے جو ہے وہ میرا رول ماڈل ہی وہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور میرے زندگی کا مقصد ہی اب جو ہے وہ انسانیت ہے. تو اسی وقت میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ تیرے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محسن انسانیت ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, تو میں وہی میرے لیے اب رول ماڈل ہیں. میں اسی رول ماڈل کے تحت اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے آگے اس مشن کو لے کے جانا چاہتا ہوں. بس میری مدد فرمانا اور مجھے ہمت عطا فرمانا, بہترین حکمت کے ساتھ میری مدد فرمانا, مجھ میں ہمت دینا اور میرے لیے وسائل کا انتظام فرمانا. تو آپ کی جب نیت ہو نا اور پھر آپ کے جذبے ہوں, تو آپ کے جذبے, آپ کی نیت اور آپ کے جذبے جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرتی ہو تو اس کے لیے وہ باعث شکست ہوتی ہے. اچھا, اب تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے اس الحمدللہ کو ماشاء اللہ سے کام کرتے ہوئے, اور سب اس نام سے آشنا ہیں اور سب آپ کی سروسز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, اور آپ کی طرف دیکھ کر ایک شفقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہم بڑے, ہمارے پیارے موجود ہیں. اس میں کہیں دل بھی دکھے ہوں گے,
कहीं पर दिल बड़ा भी हुआ होगा, कहीं इंस्पिरेशन भी मिली होगी और कहीं तकलीफ़ें भी मिली होंगी। ये सफ़र इतना आसान नहीं होता, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। तो किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि इस सफ़र में, क्योंकि शैतान भी मौजूद है और अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तो सर कैसा रहा ये तजर्बा, कैसा रहा, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए बात ये कि आप जब भी कभी किसी काम को करने के लिए जाते हैं, इंसानियत की खिदमत करने के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ लोगों का, चंद लोगों का जो है, कुछ लोगों का ये चीज़ होती है कि वो बेसिकली जो खुदगर्ज लोग होते हैं ना, तो वो आपकी जो अच्छे लोग होते हैं, वो कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो वो बेसिकली अपनी खुदगर्जगी का ऐनक लगा के, जो जो उनके आँखों के ऊपर जो ऐनक लगा होता है, तो उसी ऐनक से जो है वो दूसरों को भी देख रहे होते हैं कि जनाब ये भी अगर कोई कर रहा है, ये हाँ। कोई मखलूक बेलोस है, तो उसकी बेलोसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसकी बेलोसी को जो है, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर तो ऐनक वही लगा हुआ है, तो उनको खुद कुछ करना नहीं सिवाय बातें बनाने के लिए। तो लोग ऐसे हैं, लेकिन मैंने अपने आप को ये समझाया कि देखें ये काम तो है ही टोटल थैंकलेस काम है, ये काम है ही, लोगों का मतलब है कि वो लोग इसके बारे में, आप 10 दफ़ा किसी के लिए अच्छा कर दें और एक दफ़ा अगर नहीं कर सकें तो आप कहेंगे आपसे बुरा कोई शख्स नहीं है। तो हमने अपने आप को ये समझाया कि जनाब कोई अच्छा कहे तो उसका, उसमें आपको फूल के गुफा नहीं हो जाना कि जनाब वाह 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 जी मैंने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया। अगर आपको कोई बुरा कहे तो आपने आग बबूला हो जाना या गुस्सा हो जाना, तो इन दोनों चीजों से अपने आप को मुबर्रा रखना। राइट, मुझे ब्रेक लेना है सर। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो द ग्रेट रमजान शेख के साथ मौजूद हैं, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी मिस्टर रमज़ान शिपा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब हम शिपा नाम देखते हैं तो यकीन एक भरोसे की जो एक कहते हैं ना आपके, आपको अंदर से एक एहसास महसूस होता है। जब हम एहसास की बात करें तो अब ये नाम ही हमारे लिए भरोसे का बाइस बन चुका है। चाहे शिपा एम्बुलेंस हो, चाहे शिपा का दस्तरखान हो, वो झूला हो जिसको देखते ही जो है वो बस एक दिल बंद होने से होना लग जाता है कि मैं तो कहती हूँ या अल्लाह वो झूला हमेशा खाली रहे। और मैं एक और भी दुआ करूँगी कि जितने यतीम खाने अल्लाह करे ये भी खाली रहें और सब लोग अपने घरों में रहें। लेकिन हाँ, बदकिस्मती ऐसी है कि ये भी आबाद हैं और इनको, इन ऐसे लोग हैं जिनके सरों पर हाथ रखने की ज़रूरत है। और रमज़ान शिपा साहब उन्हीं लोगों में से एक हैं जो ऐसे लोगों के सरों पर हाथ भी रखते हैं। सर, ये जो झूला है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस झूले में जब एक एक अल्लाह की भेजी हुई रूह को इस तरह रख दिया जाता है, और मैंने देखा भी कि आप एक प्रोग्राम में मौजूद थे जहाँ पर एक जानवर ने भी उस बच्चे को जो है वो ज़ख्मी कर दिया था, और उसके बाद वो आप तक पहुँचाया गया, और उसके बाद आई थिंक आप अभी उसकी किफ़ालत करें, आपके पास मौजूद है। सर, क्या सोच आती है जब आप ऐसे बच्चों को उन झूलों में देखते हैं और आप लोग सवाल भी नहीं करते, रखने वाले रख के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? देखिए बात यह है कि आमतौर पर अब जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, हाँ, तो उसमें होता यह है कि जिन घरानों के अंदर बेटियां ज़्यादा होती हैं तो वो अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ अल्लाह हमें एक औलाद नरीना से जो है वो नवाजे। तो जब औलाद नरीना की वजह से फिर एक दफ़ा बेटी हो गई और पहले से ही दो दो तीन तीन चार चार जो है वो रहमतें उनके घरों में हैं, तो बस ये उनका होता है कि वो बच्चियां जो पहले से मौजूद हैं उनकी भी अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत नहीं हो पा रही। तो अब वो क्या करते हैं कि बजाय इसके कि शर्म से किसी को जाके दें, तो वो अब जाएँगे तो लोग अब कैसे आदमी हो भाई, अल्लाह पे ईमान नहीं है, बच्चा थोड़ी साथ लेकर आता है, मतलब इस किस्म की उनको बातें शुरू कर देते हैं। अब मामला यह है कि जब मेरे बहुत सैकड़ों लोगों से ऐसे जो है इंट्रक्शन हुआ, मैंने खुद उनसे पूछा, तो वो कहते हैं साहब हमारे लिए जो सबसे आसान चीज़ है वो यही है कि हम खामोशी से जाके छिपा के झूले के अंदर रखें, और आपके यहाँ जब हम उस बच्ची को रख देते हैं तो आपके यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई सवाल नहीं पूछता, कि किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होती, और हम वो रख के चले जाते हैं, और हमें इतना ट्रस्ट आपके ऊपर है, इतना भरोसा आपके ऊपर है कि आप इस बच्ची को या इस बच्चे को जो है यकीनन ऐसी ऐसे लोगों की जो है वो गार्जियनशिप में देंगे, ऐसे लोगों को बेऔलाद जोड़ों को देंगे कि जो है वो इसमें खुशम खुर्रम तरीके से जो है वो एक अच्छी
तरबियत भी हो जाएगी, अच्छी तालीम भी हो जाएगी और अच्छे हाथों के अंदर जो है ना ये हमारे बच्चे पल जाएंगे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जो शिफा के ज़रिए आप कायम कर सकते हैं कि अगर आपके घर में अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की मसलियत होती है, औलाद रब देती है, ना देकर भी आजमाती है और औलाद देकर भी आजमाती है। तो आप ये एक सिलसिला है कि आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद जी पूरा इसके लिए हमारा हाँ बिल्कुल हमारा बोर्ड है जी, पूरा प्रोसीजर मौजूद है इसके लिए। और दूसरी बात ये कि देखें अब हमारे सामने ये बात है, लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब ये बच्चे हमें कचरा कुंडियों से मिलते थे, गंदे नालों से, गटरों से, गंदी गलियों से मिला करते थे। तो अब ये अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोगों का कहना है अरे भाई ये नाजायज़ औलाद थी, ये नाजायज़ था ये बच्चा। अरे जनाब अल्लाह ने जिसकी रूह फूंकी आप उसको कैसे कह सकते हैं, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह जिसके अंदर डाली है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं। अच्छा दूसरी बात कि ये नाजायज़ है और जनाब ये पता नहीं क्या क्या बुरे अलकाबात से कहा जाता है। तो मैंने यही कहा, अब हमारे सामने जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो वो बिल्कुल बरक्स है। अच्छा मिनिमम परसेंटेज होगा, ऐसा मिनिमम परसेंटेज होगा। आप देखें मेडिकल साइंस जो है हमारी बहुत तरक्की कर चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस हो चुकी है कि अगर इसी मतलब अगर एक नाजायज़ बच्चा ही किसी ने जन्ना है तो वो हमारी मेडिकल साइंस अब बहुत आगे चलेगी कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब ये तो यूँ था फलाना था, नहीं जनाब ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो है लेट मी फिनिश, लोग क्या करते हैं कि जिनकी जिनकी जिन औलादों को वो परवरिश नहीं कर सकते हैं उनके बहुत सारे रीजन थे। एक तो ये रीजन जो मैंने आपको बताया कि बेटियों वाला, कुछ ऐसे मामला तो होते हैं कि जनाब माँ जो है उसका इंतकाल हो गया अब वो बच्ची क्या करे। कुछ ऐसे भी हैं कि माँ जो है वो उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे पास इशूज़ हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो वो अब ये कहते हैं कि जनाब हम आपको दे देंगे, अब कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। चार दिन के लिए हमदर्दी सब करते हैं, अजीज रिश्तेदारों के अंदर अजीज रिश्तेदार चार दिन की हमदर्दी करते हैं लेकिन पांचवें दिन जो है वो फिर वही होता है। और ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा अगर आप अपने इर्द गिर्द अगर थोड़ा सा नजर दौड़ा के देखें कि जो लोगों ने अपने ही खानदान से बच्चे अडॉप्ट किए तो उनके यहाँ एक परमानेंटली उनके पास एक जो है ना वो दिल के ऊपर उनका बोझ है कि वो माँ अपने माँ बाप उसको कहे इसको कहे, जब उसको पता चलता है तो बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो इसी वजह से हमने ये कहा है कि जनाब आप 22 मतलब होता क्या है कि जिनके अब जिन घराने में बच्ची पैदा हो गई या वो किसी वजह से उसकी कफालत नहीं करते तो वो शर्म के मारे उनको कोई ऐसी जगह पर रख कर आ जाते हैं किसी। अच्छा कचरा कुंडी सबसे आसान है, कचरा कुंडी कैसे आसान है अब मैं आपको बताऊं कि लोग ये कहते हैं कि जनाब वो बच्चा जो भी हुआ थैली में डाला और वो अपनी वहां से गुजरते हुए कचरा कुंडी के पास से वहां रख दिया तो किसी को पता ही नहीं चले। लोग अगर देख भी रहे तो वो ये कहेंगे जनाब इसने कोई कचरा ही फेंका है। तो हमने कहा कि नहीं जनाब इंसानी जान है और इंसानी जान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से इंसानी जान को इस मखलूक को तख्लीक किया है तो आप खुदा रा ये ना करें। आप ये छिपा के झूले लगे हैं, इन छिपा के झूलों के अंदर आप बजाय उन कचरा कुंडियों फेंकने के इन छिपा के झूलों में डाल दें। इंशाल्लाह ताला हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से एप्लीकेशंस मौजूद हैं बे औलाद जोड़ों के जो एडॉप्शन लेना चाहते हैं, जो गार्जियनशिप में लेना चाहते हैं, जो कफालत करना चाहते हैं, तो हम उनको जो है वो दे देंगे पूरी उसकी तहकीक करने के बाद छानबीन करने के बाद। तो मकसद सिर्फ हमारा ये है कि छिपा के झूले में आप डालें और अगर ये नहीं डालेंगे वहां पर तो ये बच्चे इसी तरीके से कचरा कुंडियों में, गंदे गटरों, गंदे नालों में जगह और वो उनका वही होता है कि जनाब हम फेस नहीं कर सकते। हाँ ये जो एक किफालत की जिम्मेदारी है ना और ख़ास तौर पर यतीमों की किफालत करना, बेवाओं की किफालत करना और ऐसे बच्चों की किफालत करना, यकीनन इसका अजर भी वो है जो हम शायद आम लोग जान भी नहीं सकते। और अगर शायद हमें पता चल जाए तो हम बाकी काम छोड़ दें और सिर्फ इन्हीं लोगों की किफालत करना जो है वो शुरू कर दें। जी बस अब आपके अपने माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे चार बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं और वो चारों के चारों माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। और बस उनको कोशिश ये की है कि एक माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है और मैं इस यहाँ पर उनका वो सपोर्ट वो आते हैं आपके साथ आपकी सर्विसेज में आपको नहीं जी अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं जी हाँ पढ़ रहे हैं। और मैंने उनको जो है वो यही कहा है कि अच्छी उनकी जो है वो तालीम तरबियत हो तो आगे इंशाल्लाह आके अगर उनकी दिलचस्पी रही और उनको समझ आया तो वो ज़रूर इस फाउंडेशन का छिपा फाउंडेशन का हिस्सा बने और बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो जो करना चाहे। लेकिन मैं ख़ास तौर पर अपनी इस मौके पे जो है वो मैं अपनी जो मेरी बेगम है जी। उसको जो है ज़रूर इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि माशाल्लाह बच्चों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है जी। मैं मसरूफ़ होता हूँ, मैं नहीं कर पाता, उतनी तवज्जो नहीं दे पाता,
लेकिन जो मेरी बीवी है माशाल्लाह वो पूरी तरीके से मेरे जो बच्चे हैं हमारे जो बच्चे हैं तो उनकी अच्छी तरीके से जो है वो एजुकेशन में और सारे दिन बस उनके साथ वो मसरूफ होती थी। यहाँ ये 87 से जो पहले का अरसा था तो आप क्या काम कर रहे थे, क्योंकि अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपकी प्रिंटिंग का आप लोगों का जी ये छपाई का बेसिकली काम वही काम किया। अच्छा सोच क्या थी कि अपने अब्बा के काम को आगे बढ़ाना है या कुछ और? एक होता है ना यंग एज में आप इंसान ड्रीम करता है या फोकस करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या इंजीनियर, ऐसे ऐसी कोई सोच थी? यही था कि अब्बा के काम को ही आगे लेके चलूंगा। बेसिकली हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना कि जो घर से मिला है तो बस उसी काम धंधे में जो भी मिला है वो करते रहे हम। लेकिन मेरा शुरू से जो है वो मकसद मेरे दिमाग में जो है वो चीज़ थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो, जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका नाम पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी लोगों का नाम दुनिया में रोशन हो। बस ये एक छोटी सी एक किसी कहते हैं ना जहन के किसी कोने में ये चीज़ जो है वो मुझ में जब से शऊर आया तब से ये मौजूद थी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बिल्कुल देखे जब ये एक वाकया सामने आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसमें जो है वो वहाँ मुझे भेजा वहाँ काम करने के लिए, तो बात यह है कि ये इंसान का अपना कोई कमाल नहीं होता। इंसान को अच्छे ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए, अच्छी सोच ज़रूर रखनी चाहिए, अच्छे ख्वाबों की अच्छी ही ताबीर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है। जो ग्रीन कलर है ये सब्ज़ गुंबद है, इस रंग की बड़ी हैसियत है, बड़ी अहमियत है और बड़ी बरकत भी है। आपकी ज़िंदगी में ये रंग मुकम्मल तौर पर कब शामिल है? मेरी ज़िंदगी में मैं जब पैदा हुआ था तो उसी वक्त जो है ये मेरी ये कलर ये रंग जो है मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया था। असल में मैं जो है वो मन्नतों से पैदा हुआ था, मुझसे पहले एक मेरे बड़े भाई थे तो उनका बचपन में इंतकाल हो गया था, तो मैं बड़ी मन्नतों से जो है पैदा हुआ था। तो मेरी माँ ने उस वक्त ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसे जो है मौला हुसैन का फ़कीर बनाकर और ये सब्ज कपड़े मांग के पहनाऊँगी और खिलाऊँगी उसे। अच्छा। तो वो एक मन्नत थी हमारी माँ की। और जो है वो जब मैं पैदा हुआ तो फिर मुझे मेरी माँ ने ये सब्स कपड़े जो बच्चों को पहनाए जाते हैं तो ये सब्स कपड़े पहनाए गए थे और मुझे मांग के जो है वो फ़कीर बना के मौला हुसैन का और जो है ये खाना मुझे खिलाया गया था। अच्छा। तो ये एक मन्नत की थी, तो बस वही जो है वो चलाया। फिर बीच में मैं जब बड़ा हुआ, मैं जब उससे पहले हुआ तो फिर जाहिर और भी कपड़े पहनता था। इस शोबे के अंदर जब आया मैं तो बाकायदा फिर मैंने जो है वो चूँकि याद था मुझे कि मेरी माँ जब ने मुझे जो है ये सब्स कपड़े जो है पहनाए थे जब पैदा हुआ था, फिर इसके बाद मेरे दिल में जो है एक मोहब्बत है, जो एक प्यार है, जो एक अकीदत है मेरे दिल के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो एक उनके जो है वो के मैं तो उनके जो है वो जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं तो उनके जो है वो उनके जो आखिर का बंदा है उस शख्स से भी जो है मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स वो है। तो मैं बस एक मोहब्बत और अकीदत में सब्ज गुंबद के जो है उसमें पहनता हूँ। दूसरा पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन जो है ये एक ठंडा कलर है, ग्रीन जो है ये एक पीस की निशानी है। तो यही चीज़ है कि मैं इस वजह से इसको जो है वो ये कपड़े मैंने अब परमानेंट अपने जो है वो बना लिया है और मैं यही पहनता हूँ बस। मेरे पास और कोई चीज़ जो है वो और कोई कलर नहीं होता, सिर्फ यही कपड़े पहनता हूँ जी। हमने हमेशा आपको इसी रंग में देखा और कहते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो वैसे भी बड़े हम साइंसी बात करते हैं ना, बड़ी तहकीक की बात करते हैं, तो जाए जाके तहकीक पढ़ लें। कहा यही जाता है कि ग्रीन कलर जो है वो आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, आपको रिलैक्स करता है। ये जो ग्रीनरी है, ये जो सब्ज़ा है, जब आप इसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको एक अच्छा जो है वो फील आता है, एक अच्छा इम्पैक्ट आप पर क्रिएट करता है। तो ग्रीन कलर ये हमारा अकीदा भी है कि हमारे लिए बहुत मुबारक रंग है और इसके अगर साइंसी हवाले से भी आप देखें तो इसके बड़े इफ़ेक्ट्स हैं। सर मैं जब भी अक्सर जब मुझे मौका मिलता है मैं जिक्र करती हूँ कि हमने कराची में बड़े हादसात देखे हैं और एक के बाद एक हादसा, हम किसी एक हादसे को अभी रो ही रहे होते हैं कि एक नई चीज़ हमारे इलाके सामने खड़ी कर दी जाती है। इस पूरे रमज़ान में, बल्कि रमज़ान से पहले भी बड़े खौफ में और बड़े डर में हमने वक्त गुजारा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक होगा, और यही कहा जा रहा था कि पिछले से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन होगी। लास्ट टाइम आपने देखा क्या सूरत हाल थी।
आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से शायद वो भी लोग जो आज इस दुनिया में मौजूद हैं वो लाइफ को सरवाइव कर सके। अदरवाइज़ जिस तरह की सिचुएशन है, ना हमारे पास सर्दखाने हैं, ना हमारे पास गुसल के इंतज़ाम हैं, ना हमारे पास प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो हुकूमत की तरफ से। तो सर आप लोग कोऑर्डिनेट करती है हुकूमत आप लोगों से, आप लोगों की कहीं हेल्प करती है, सपोर्ट करती है आप लोगों को? हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हुकूमत के साथ हमारे हमसे वो सपोर्ट लेती है। लेती है आप कि जब भी एक जैसे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बना हुआ है, फिर यहाँ पर जो सिस्टम और जो हुकूमती सतह के ऊपर है, तो वो सब एक लाइजन, एक कोऑर्डिनेशन उनके साथ बना हुआ है और हम जो है वो मिल के हुकूमत के साथ हाथ बटाते हैं। आपने हीट स्ट्रोक की बात की, हीट स्ट्रोक से मैं आपको एक सबसे ज़्यादा जो है मैं इस बात पर जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उनको मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिस वक्त हीट स्ट्रोक हुआ तो ये पहले वाहिद शख्स थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कि जिन्होंने जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिमाग में दिया कि ये अब क्या मतलब है कि इससे होगा। उनकी मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको कोई जो है वो गैब से कोई चीज़ उनके दिमाग में जो है वो दी, उनके दिल में दी कि कोई बड़ा वाकया हो गया। मतलब किसी शख्स को मालूम, मतलब देखिए हमें क्या पता हीट स्ट्रोक क्या होता है, हमें तो इतना पता है कि जनाब लू चल रही है, लू में नहीं निकलना। हमने बचपन से ये सुनते हैं, अपने घरों में भी देखा भाई लू हो रही है तो बाहर नहीं निकलना, गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है। हीट स्ट्रोक हमारे सामने ये पहले आया और इस पर जिस तरीके से सबसे पहले जो हीट स्ट्रोक के लिए जो है निकलने वाले शख्स हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं और वो बिल्कुल, और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो है उसके लिए निकले। अच्छा मैं वहाँ प्रोग्राम में उनके पास गया था स्टूडियो में, फिर वहाँ से मुझे भी उन्होंने फ़ोन करके कहा कि चीपा साहब एम्बुलेंस लेकर आ जाए, चीपा साहब आप वॉलंटियर्स को या जिन हॉस्पिटल में भेजें और आप भेजें यहाँ पर, फौरी तौर पर पहुँचें। मुझे भी उनका जैसा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का पैगाम मिला तो मैं फौरी तौर पर जो वो एम्बुलेंस है और तमाम रजाकारों के साथ जो है जिन हॉस्पिटल पहुँचा और जिस तरीके से उन्होंने जो लोगों को अपील की और जिस तरीके से जो है वहाँ पर उन्होंने आके काम किया, तो मैं उनको जो है वो सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को कि फिर उनकी आवाज़ के ऊपर जिस तरीके से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, क्योंकि रमज़ान का महीना था, जिस तरीके से लोग मिनरल वाटर की बोतलें उनकी अपील के ऊपर लेकर आ रहे हैं लोग, मतलब एक खातून ने तो मुझे बहुत हैरान कर दिया। एक खातून आई कि डॉक्टर साहब मैं साथ था, डॉक्टर साहब के साथ खड़ा हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ, वो कहने लगी कि मैं बहुत गरीब औरत हूँ मैं, लेकिन मैंने जब आपका ये देखा और आपकी ये अपील देखी कि लोग यहाँ बेचारे तकलीफ में हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं, उनके सपोर्ट के लिए आए हैं, तो वो कहने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये मीठा पानी था तो मैंने उसको मिनरल वाटर की 2-3 बोतलें भर के प्लास्टिक के शॉपिंग में लेकर आएगी कि मैं जी ये आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आप देखें हमारी माओ बहनों का जज्बा, देखें तो जिस तरीके से कौम जो है, मैंने ये जज्बा जब 2005 के अंदर जलजला आया था तो जिस तरीके से हमारी कौम खड़ी हो गई थी लब्बैक करने के लिए अपने उन जो परेशान हाल भाइयों के लिए, जो हमारी परेशान हाल माँ बहनों के लिए जो तकलीफ थी, तो मैंने जब यहाँ देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो है जब सदा लगाई है तो उनकी सदा के ऊपर जिस तरीके से पूरी कौम यहाँ पर उठ के, पूरा शहर उठ के यहाँ पर मदद के लिए आ गया, तो मैं कह रहा हूँ कि हम ये सोच रहे थे कि ये इतने कोई समोसे बना के लेकर आ रही है, कोई बहनें, कोई माएँ पकौड़े बना के लेकर, मतलब क्या क्या चीज़ें, कोई फल लेकर आ रही हैं। हमने 2 अफ्तारियाँ वहाँ पर जिना हॉस्पिटल की एमरजेंसी के सामने की और जिस तरीके से फिर कोई लोग दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं, जूस लेकर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सदा वहाँ पर लगाई उनकी सदा से बहुत बड़ा नुकसान होने से और बच गया, उसकी वजह ये थी कि वो लोगों को जब ये पता चला कि इतना बड़ा ये मामला हो गया और इतना बड़ा मामला आगे होने को जा रहा है, उसको टैकल करना है, तो उसको बर वक्त जो है हुकूमत ने टैकल कर लिया, बर वक्त हुकूमत ने उसको संभाल लिया, तो और मजीद जो इंसानी जाया जा रहा है उससे बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रेडिट मैं जो है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को देना चाहता हूं। जो अच्छा काम करे वो कहीं पे भी हो उसे आपको सराहना चाहिए और उनकी एफर्ट को सलाम पेश करना चाहिए। डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया, हम भी उनकी को सराहेंगे। और इस बार और भी खौफ था, इतना शोर मचाया गया, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह भी अपने बंदों को इतना नहीं आजमाते और इस तरह बड़ी तब्दीली आई मौसम में। आप काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि अब तमाम चीज़ें बेहतर हो गई। जी बस आप ये बताएं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहते हैं कुछ ख़ास लोग होते हैं जो आपको संभाल के रखते हैं। वैसे तो हम अगर देखें तो लोग आपकी तरफ देखते हैं ना कि आप आएँगे और उनको सपोर्ट करेंगे,
लेकिन जब छिपा सा आपको ज़रूरत होती है कभी किसी की, तो कौन से ऐसे ख़ास लोग आपकी ज़िंदगी में, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं ऐसे जिनसे आप शेयर करते हैं कि अब जो है यहाँ पर मुझे इस मामले को क्या करना है, ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में दोस्ती या ऐसे लोग? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दोस्त हैं मेरे, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, तो मैं अब वो ऐसा होता है कि कहीं मैं अगर बाहर निकल रहा होता हूँ, किसी सड़क के किनारे चल रहा होता हूँ, तो ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं ये मुझे रुक के, अरे छिपा भाई ये कबूल कर लीजिएगा, अरे छिपा भाई, तो वो मुझे पैसे दे देती हैं, वो मुझे चंदा दे देती हैं, तो इसी तरीके से जो है वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और मैंने हमेशा यही कोशिश की है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा इस ट्रस्ट को जो है मुझ पर, जो लोगों का ट्रस्ट है उसको हमेशा जो है मुझ पर कायम और दायम रखना और साबित कदम रखना मुझे, ताकि मैं अपनी कौम को जो है मायूस ना कर सकूँ, क्योंकि उनकी उम्मीदों के ऊपर जिस तरीके से उनकी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से उनकी पूरी आस है, वो हमेशा मैं उनको जो है उनकी उम्मीदों को पूरा रख सकूँ। कभी डर लगता है आपको, कभी आप खौफजदा होते हैं या आप उसमें आते हैं कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगा या अब इसको कैसे हैंडल करना, ऐसा वक्त आता है आपकी लाइफ में? हाँ, जब वसाइल की कमी होती है ना, जब मतलब हमारे सामने, जैसे मिसाल के तौर पर देखें कि हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, 300 एम्बुलेंसेस जो है ये 24 घंटे चलती है कराची में, जी कराची के अंदर, तो आप इसको चलाने के लिए वसाइल चाहिए हमें, वो कि हम फंड्स भी लेते हैं, जब ये एक तो हमारे रेस्क्यू की सर्विस है, दूसरी हमारी सर्विस है लोकल के एक ओपीडी पेशेंट्स हैं या उसके लिए, तो हमने वो कुछ मामूली से फंड्स भी रखे हैं जो कि हमें हमारे इदारे के छोटे मोटे जो अखराजात होते हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन वो पूरे नहीं होते, तो हमें जो है वो वसाइल की कमी का बहुत ज़्यादा सामना है, और अभी इस मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें हमें 200 एम्बुलेंसों की फौरी तौर पर ज़रूरत है, 200 एम्बुलेंसें हमारे पास आ जाएं तो हमारे पास ये जो हमारा रिस्पॉन्डिंग टाइम जो 5 मिनट है इस वक्त, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक लोड, एक प्रेशर और एक जो कौम की उम्मीदें हैं, एक कौम जो हमें हमारी तरफ देख रही है कि जो है वो आप चीज़ आपने आगे चीज़ों को देखना है, चीज़ों को संभालना है, तो हमें 200 एम्बुलेंसों की फौरी तौर पर जो है वो अशद ज़रूरत है, तो मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ तमाम मुखियर हजरात से, और ख़ास तौर पर जो है वो तमाम उन लोगों से, साहिब सरबत लोगों से, कि वो जो है छिपा फाउंडेशन को 200 एम्बुलेंसों की जो इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरत है वो फौरी तौर पर आगे आएँ और हमें ये एम्बुलेंसें फौरी तौर पर दें, ताकि हम अपना जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है छिपा का पहुँचने का उसमें कमी ला सकें, और एक एम्बुलेंस जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की पूरी एक तैयार होती है, जो हाईरूफ एम्बुलेंस होती है 10 लाख रुपए की तैयार होती है, तो बस मेरी यही गुजारिश है आपके प्लेटफॉर्म से, वक्त टीवी के प्लेटफॉर्म से, आपके इस प्रोग्राम से, कि जनाब तमाम लोग जो साहिब सरबत मुखिया रजा था वो आगे आए और हमें एम्बुलेंस से डोनेट करें। राइट सर, ऑन एयर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी, चाहे छिपा का यतीम खाना हो, चाहे छिपा का दस्तरखान हो, छिपा का वो झूला हो, या और ऐसे सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मैं एक प्रोग्राम आपके साथ करूँ और हम छिपा की वो तमाम सर्विसेज अपने देखने वालों को दिखाएं कि किस किस लेवल पर जो ये छिपा फाउंडेशन काम कर रही है, और आप मेरे साथ हो और हम उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें। एनी टाइम यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। ये ऑन एयर ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम एक शख्स कितना काम कर रहा है और उसको कितने लोगों की किस किस तरह की ज़रूरत है, ये हमें बड़ा जानना ज़रूरी है कि हम कैसे सर को सपोर्ट कर सकते हैं, हम छिपा को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मैं वेलफेयर के नाम कर सकती हूँ। सर आपको वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है वॉलंटियर्स होते हैं, ये वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। वॉलंटियर्स दो किस्म के होते हैं, जी, एक पेड वॉलंटियर्स होते हैं और एक अनपेड वॉलंटियर्स होते हैं। तो पेड जो वॉलंटियर्स होते हैं तो वो तो आप देखते हैं, जैसे हमारे ड्राइवर हजरात हैं, हमारे रेस्क्यू के वर्कर्स हैं, हमारे रेस्क्यू के जो क्लरिकल स्टाफ है, और हमारे हेड ऑफिस पे जो पूरे लोग हैं, तो ये पेड हमारे जो है वो एम्प्लॉय होते हैं, जाहिर अपना चलाना है, लेकिन इनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत मामूली तनख्वाह होती है, लेकिन इनमें ये जो लोग आके हमारे इदारे से जो पेड भी जिसे हम कहेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम, इनका मकसद जो है वो ये नहीं होता कि हमने जो है वो एक कमर्शियल तौर पर यहाँ से मतलब पैसे कमाने हैं या हमने इतनी हमारी तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ जो है जज्बा होता है कि हमें इंसानियत की खिदमत करने के लिए इस मिशन में आपके साथ आके हाथ बटाना है, तो जाहिर है फलाही इदारों में ट्रेंड मिशन ये ड्राइवर्स होते हैं, ये किसी भी अच्छी जगह पर किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में अगर आप एज अ ड्राइवर भी जाएं तो आपको बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये जज्बा ही है ना, ये जज्बा है जी। एग्जैक्टली मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये कहीं और जाके पैसे अगर कमाने हों उनको, तो बहुत
ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये इंसानियत का जज्बा ही है कि जो इनको हम इस इदारे के साथ छिपा फाउंडेशन के साथ मुंसलिक किया हुआ है। और बात वो ये कि ये ज़िंदगी का मकसद ही औरों के काम आना है ना, ज़िंदगी का मकसद ही दूसरे लोगों के काम आना है, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। हमारा ये ज़िंदगी जितना जो हम सांस ले रहे हैं, जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी सांसें लिखी हैं, तो ये तो हमारा एक इम्तिहान है ना, हम यहाँ पर एक हमारा इम्तिहान है, हम पर्चा देने के लिए आए। उस पर्चे का हिसाब जो है इसका वहाँ ऊपर होगा, जब हम हमारी जो असल ज़िंदगी है वो तो यहाँ दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद है ना, वहाँ से शुरू होती है। तो वो पर्चा जो है, तो इसमें यही रज़ाकार जितने भी हैं वो उसी सोच के मालिक हैं कि हमने यहाँ ज़िंदगी में जो पर्चा देने आए, तो इस पर्चे को जो है कोशिश करें कि अच्छे तरीके से जो है वो देते, ताकि जो आखिरी में इसका रिज़ल्ट आए तो वहाँ हमें शर्मिंदगी का सामना। राइट, और एक जुमला है जो मैं हमेशा अपने इस शहर के लिए कहती हूँ, मैं आज भी कहूँगी कि यकीनन हर शहर अपने आप में बड़ी हैसियत रखता है, बड़ा मकाम रखता है, लेकिन हाँ मेरे शहर में बहुत सारे लोग भूखे पेट आते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे शहर में कोई भूखा सोता नहीं है, क्योंकि बेशुमार दस्तरखान यहाँ मौजूद हैं। और वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आपको वेलकम किया जाता है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही दस्तरखान में खाना खाते हैं, और दिन में दो बार सर ये किया जाता है, दो बार लंच और डिनर दोनों के 30,000 अफराद का खाना छिपा किचन में तैयार होता है। और तैयार होने के बाद छिपा के सेंटरों के ऊपर 15,000 जो है वो लंच में अफराद के लिए खाना तैयार होता है, जो सेंटरों पे तमाम छिपा के खिलाया जाता है, इज्जत और तकरीम के साथ, इंतहाई इज्जत और तकरीम के साथ। और 15,000 डिनर में जो है वो सर्व किया जाता है, खिलाया जाता है, और इज्जत और तकरीम के साथ। हमने इज्जत और तकरीम को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया हुआ है, और तमाम मददगारों को जो दस्तखान के ऊपर मददगार होते हैं उनकी काउंसलिंग हमने ये की है कि जो भी छिपा के दस्तखान पे खाने वाला शख्स आता है वो अल्लाह का मेहमान है, और अल्लाह के मेहमान की आपने किस तरीके से खिदमत करनी है, अब अल्लाह जाने और रब जाने और बंदा जाने, आप जाने और अल्लाह जाने, तो ये काउंसलिंग उनकी की हुई है। तो उसी तरीके से उनकी जो है वो अल्लाह के मेहमान की हैसियत से जो है वो छिपा के रजाकार, छिपा के दस्तखान के ऊपर उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। क्या बात है जी, वो दस्तखान लगता है और उस पर बरकत, वो बनता शायद 15,000 के लिए होता होगा, लेकिन पता नहीं कितने लोग उस दस्तखान से जो है वो अपना पेट भरते होंगे। यकीनन कभी आप जाके गिनती कीजिएगा, आपको मेरा ईमान ये कहता है कि वो 15,000 नहीं होंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग होंगे जो वहाँ आते होंगे और वहाँ से रिस्क लेते होंगे। छिपा साहब बहुत शुक्रिया, मैं मेरा इदारा मेरी टीम बड़ी शुक्रगुजार है कि आप आए, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह आपके साथ एक प्रोग्राम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और हम अपने देखने वालों को दिखाएंगे कि एक शख्स जो है वो लोगों की कितनी खदमत कर रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अपना फीडबैक मुझे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक पर ज़रूर दीजिएगा, और हाँ रब ने हर इंसान के दिल में इंसानियत का जज्बा रखा है, खुदारा उसे समझें, ताकि इस दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए भी कोई अच्छा नाम लेवा इस दुनिया में मौजूद हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।